हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसे नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं, उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं, जो अपशगुन के सूचक हैं। जय शंभु त्रिशूलम् मम अनुकूलम् नष्ट समूलम् अरिकर्ता। जय अभयम् दाता विघ्नम् घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कब हूँ न खंडित हो इतिहारी शक्ति घणी। अविलंब अमोग प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनूपम तेज भरे। तुम हेरण नायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसे नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं, उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं, जो अपशगुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए
तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। Thank you.